हाय, आई एम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ रिदम सनस्क्रीन के बारे में। ये आप सबको पता है, ये बहुत हाइप प्रोडक्ट है, अभी बहुत फेमस है और सब लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और सब इसे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं और समझते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है, ये क्यों इतना हाइप प्रोडक्ट है और इसकी क्या खास बात है कि इसकी वजह से ये आपको लेना चाहिए या फिर ये स्पेशल क्यों है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ रिदम की ये सनस्क्रीन सच में बहुत बहुत ब्यूटीफुल सनस्क्रीन है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है और इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है जो मैं आप सबको अभी शेयर करने वाली हूँ। तो इस सनस्क्रीन की बात करते हैं, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है। तो हाइब्रिड सनस्क्रीन एक ऐसा सनस्क्रीन है जिसमें आपको बोथ फिजिकल और केमिकल फिल्टर्स मिलेंगे। तो इसमें जो भी फॉर्मुलेशन है वो दोनों फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन के अवेलेबल है। तो और बहुत ही डिटेल में अगर आप हाइब्रिड सनस्क्रीन, फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन को समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं जहां मैंने सनस्क्रीन बहुत अच्छे से डिटेल रिव्यू किया है, सनस्क्रीन के बारे में बताया है। तो उसे मैं कहीं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और फिलहाल अगर इसकी बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है और इसकी कुछ स्पेशलिटी है। जैसे कि अगर देखें तो आप इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे भी देख सकते हैं और इनके साइट पे भी मेंशन किया हुआ है कि इनकी टेस्टिंग इन विट्रो SPF कोपेला मेथड से की गई है। ये एक अप्रूव्ड सनस्क्रीन है। अगर हम इन विट्रो टेस्टिंग की बात करें तो ये एक टेस्ट होता है जिससे आपकी सनस्क्रीन में कितना पोटेंट है वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी स्किन को सन डैमेज से कितना वो प्रोटेक्शन दे सकता है, कितनी देर के लिए दे सकता है, कितना आपकी स्किन में ऑब्जर्व, इन चीजों की पोटेंसी को डिक्लेयर करने के लिए इस इन विट्रो SPF को किया जाता है। और इसको जिस मेथड से किया जाता है, ये कोपेला मेथड से किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे सनस्क्रीन टेस्टिंग की जाती है, उसमें से ये कोपेला मेथड एक ऑथोराइज्ड मेथड है। कोपेला मेथड को अप्रूव किया गया है। तो दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर योर सनस्क्रीन टेस्टिंग। तो अगर इसकी बात करें तो ये अर्थ रिदम एक अप्रूव्ड सनस्क्रीन है। बिकॉज आजकल बहुत सारे सनस्क्रीन आ रहे हैं जिसकी अप्रूवल्स और ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन है जिसके फॉर्मुलेशन काम नहीं करते और हमारे स्किन पे बहुत तरह तरह के हार्म्स हो जाते हैं सनस्क्रीन से। तो इस तरह का कोई सनस्क्रीन जो मार्केट में अप्रूव्ड हो और वो हमें मिल रहा हो तो हमें एक बार तो उस पर ट्रस्ट करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी ये खासियत बहुत अच्छी है। दूसरी अगर इसकी एक और खासियत की बात करें तो वो ये है कि इसमें लिपोसोमल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से इन्फ्यूज करेगा, बहुत देर तक काम करेगा। तो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी एक्चुअली में एक मेडिसिनल टेक्नोलॉजी है। ये हमारी बॉडी में किसी भी मेडिसिन को इजीली ऑब्जर्व करने के लिए, कराने के लिए, विटामिन्स को इजीली और ज्यादा इफेक्टिवनेस बनाने के लिए लिपोसोमल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इस सनस्क्रीन में यूज किए गए लिपोसोमल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट, ये स्पेशली ये सनस्क्रीन आपके स्किन सेल्स में बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट करेगा, इन्फ्यूज करेगा, ये बहुत अच्छा वर्क देगा। इजीली ऑब्जर्व करने की वजह से और डीप डाउन लेयर तक ऑब्जर्व होने की वजह से ये आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो इस टेक्नोलॉजी का यूज होने की वजह से ये एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ सनस्क्रीन माना जा सकता है। तो मुझे तो इसकी इस फॉर्मुलेशन की वजह से भी ये सनस्क्रीन बहुत पसंद है और बाय यूज भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स पार्ट की अगर बात करें तो जैसे इसमें बहुत खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। इसमें जो फिल्टर्स यूज किए गए हैं वो भी बहुत इफेक्टिव और बहुत
खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी सेफ इंग्रेडिएंट्स हैं, रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे इसमें इथाइल मेथॉक्सीसिनामेट का यूज किया गया है। ये आपकी सन स्पॉट, सन एजिंग, सन डैमेज पे काम करता है। दूसरी इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो वो है ब्यूटाइल मेथॉक्सी बेंजो मेथेन। तो ये एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो आपकी सन बर्न पे फोकस करेगा, सन डैमेज इंस्टेंट काइंड ऑफ जो भी स्किन डिजीज होते हैं जो सन से रिलेटेड है स्पेशली उन पे फोकस करेगा। तीसरे या इसके और भी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें फॉस्फोलिपिड्स है जो आपका एक नेचुरल स्किन फैट है जो आपकी स्किन को किसी भी तरह की टेक्सचर हार्म से बचाता है। एक फैट हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है हमारी स्किन को प्लम्पी स्मूथ इफेक्ट देने के लिए। इसमें बहुत सारे अच्छे आप ऐसा कहते हैं ह्यूमेक्टेंट्स हैं, इमोलियंट्स हैं, जैसे कि इसमें कोकोनट एल्केन्स है, ये एक बेहतरीन इमोलियंट है। इसमें कैप्राइल है जो कि एक बहुत खूबसूरत इमोलियंट है, ह्यूमेक्टेंट है। इसमें ग्लिसरीन है। तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत खूबसूरत मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है विथ हैवी बेनिफिट ऑफ सनस्क्रीन। तो ये देखा जाए तो SPF 50 जो इसमें क्लेम किया गया है ये आपको बहुत अच्छे से SPF 50 के प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SPF 30 हमें 94% प्रोटेक्ट करता है या 95% तक की प्रोटेक्शन मिलती है हमें SPF 30 से। SPF 50 से भी हमें 96% की ही प्रोटेक्शन, कोई भी सनस्क्रीन हमें 100% का प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड नहीं करता। और वैसे जो मैंने सनस्क्रीन इन डिटेल वीडियो जो बनाई है आप उसमें ये रेशियो अच्छे से देख और समझ सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ SPF क्या परसेंट ऑफ प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। तो मैंने जैसा बताया उसको मैं लिंक डाउन कर दूंगी। तो फिलहाल चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका लुक कैसा है और देखते हैं कि ये सनस्क्रीन वर्क कैसा करता है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको ये दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये सनस्क्रीन आप सभी देख रहे हो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और अर्थरिदम की पैकेजिंग तो बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग होती है। तो इसकी भी ये येलो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और अगर मैं इसको ओपन करूँ एक सिंपल सी कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, कोई लेयरिंग नहीं है। तो ये अंदर जो बॉटल है ये एक्चुअली ये कांच का बॉटल है। ये तो ये ग्लास बॉटल मुझे बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्लास बॉटल में किसी भी प्रोडक्ट की एफिकेसी थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो जो भी हो ये ग्लास बॉटल में प्रोवाइड करना एक नया टेक्निक है। मैंने बहुत कम ही प्रोडक्ट्स को ग्लास बॉटल में देखा है अभी तक। तो और ये आप देख सकते हो ये पंप है। तो इसको मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और वैसे मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर भी करूंगी एक वीडियो क्लिप जिसमें मैंने अच्छे से इसके एप्लीकेशंस को दिखाया है। वैसे इसकी एप्लीकेशन बहुत बहुत खूबसूरत है और ये आपके स्किन में बहुत ईजिली ऑब्जर्व होता है। और इसकी एक खासियत है कि इसके टेक्सचर की बात करें, इसकी टेक्सचर जैसा इसमें मेंशन है फ्लूइड, बट ये सेमी फ्लूइड कह सकते हैं। ये थोड़ा थिक है, वैसा भी कोई फ्लूडी सा टेक्सचर नहीं है, वॉटरी टेक्सचर नहीं है इसका, ये थिक क्रीम टाइप है। बट हाँ ये आपके स्किन में ऑब्जर्व बहुत अच्छे से होता है, कोई कास्ट नहीं छोड़ता। बिहाइंड कास्ट तो खैर ये एकदम ही नहीं छोड़ता, और भी बहुत सारे सनस्क्रीन है जो बिहाइंड कास्ट छोड़ते बट इसके ऐसे कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। और ये देता बहुत ही खूबसूरत लुक है, लाइक ये एक मैट लुक प्रोवाइड करता है। मैट लुक आप ऐसा कह सकते हो, ये देखने में वैसे लुक वाइज बहुत मैट नहीं करता स्किन को, स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा मैटी सी फिनिश नहीं आती इसको अप्लाई करने के बाद। बट हाँ ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सनस्क्रीन आपको चिपचिपापन नहीं फील होने देता, तो आपको जो फील होगा वो बहुत मैट सा होगा। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस सा फील किया इस सनस्क्रीन के साथ कि ये सनस्क्रीन फीलिंग में बहुत खूबसूरत है, फील बहुत अच्छा होता है इसको अप्लाई करने के बाद, चिपचिपापन नहीं लगता, ऑयलीनेस नहीं फील होता, किसी भी तरह की स्वेटिंग नहीं होती जो ज्यादातर सनस्क्रीन को यूज करने के बाद होती है। तो इसकी फीलिंग बहुत अच्छी है,
देखने में इसका लुक इतना मैट नहीं लगता कि ये आपको बैड दिख रहा हो या बहुत मैटी सा फेस को कर दे, तो देखने में ये ड्यूई है और फीलिंग में मैट है, तो ये इसकी बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। तो मुझे इन चीज़ों की वजह से ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप अगर आप इसे ट्राई करोगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। तो एक ट्राई तो बनता है सनस्क्रीन के लिए, बिकॉज इसकी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो अगर देखा जाए तो ये खूबसूरत सनस्क्रीन है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये मेरा अर्थरिदम सनस्क्रीन का रिव्यू था, और आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। सो बाय फॉर नाउ एंड कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब।